एक ही बहन ने फरमाया कि औरत जुमा कब पढ़ेगी और उसमें नियत जोहर की करे या जुमे की और किस वक्त होगी। देखें, औरतों पर चूंकि जुमे में हाजिरी वाजिब नहीं है तो वो अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगी और जोहर की नमाज़। औरतों पे जुमा फ़र्ज़ नहीं होता, औरतें अपने घर में जोहर की नमाज़ पढ़ेंगी और इनके लिए अफजल ये है कि मर्दों की जमात के इख्तिताम का इंतज़ार कर लें, उसके बाद अपने घर में जोहर की नमाज़ अदा करें। लेकिन अगर कोई बहन इंतज़ार नहीं करती, जैसी अजान हुई और उन्होंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली तो इनके लिए शरण बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जुमे की नहीं पढ़ेंगे, जोहर की। तो आप नियत भी जोहर की करेंगी, जुमे की नहीं करेंगी। और ज़िमनन मर्दों के लिए भी अर्ज़ कर देता हूँ, बाज़ इतने बेचारे नादान और भोले भाले होते हैं क्योंकि सीखा नहीं होता, वो जुमे की नमाज़ जब अदा कर रहे होते हैं मस्जिद में तो वो जो जुमा है दो रकत फ़र्ज़ हैं उसमें तो जुमे की नियत करते हैं और बाकी सुनन नवाफिल में तमाम में जोहर की नियत करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, हालांकि सही ये है कि जब आप जुमा पढ़ रहे हैं तो उससे पहले की चार सुन्नतें, फिर बाद की चार सुन्नत, दो सुन्नत और दो नफल, सब में जुमे की नियत करनी होगी। जिस पर जुमा फ़र्ज़ है और वो अदा करने आ चुका है वो जोहर की नियत नहीं करेगा, जुमे की करेगा।